हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास नाइन्थ के ज्योग्राफी चैप्टर वन इंडिया साइज एंड लोकेशन के एसर्शन एंड रीजन क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में आपको 20 एसर्शन एंड रीजन क्वेश्चन मिलेंगे, जिसकी हेल्प से आपकी प्रैक्टिस भी होगी, साथ ही चैप्टर की डीप नॉलेज भी बढ़ेगी। इस वीडियो से पहले हम अदर चैप्टर्स के भी एसर्शन एंड रीजन क्वेश्चन व टर्म वन के सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। अगर आप ये सब वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम डायरेक्शन पढ़ लेते हैं, जिसकी हेल्प से हमें यह पता चलेगा कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस द एसर्शन एंड रीजन हैव बीन पुट फॉरवर्ड। रीड बोथ द स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। एसर्शन एंड रीजन क्वेश्चन में आपको टू सेंटेंसेस दिए होंगे। इसमें फर्स्ट सेंटेंस एसर्शन होगा और सेकंड सेंटेंस रीजन होगा। आपको दोनों ही सेंटेंसेस को केयरफुली पढ़ना है, उनका मीनिंग समझना है और बाद में नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। चलिए ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इट मींस असर्शन एंड रीजन दोनों ही सही हैं और रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। बी ऑप्शन इज बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इट मींस असर्शन एंड रीजन दोनों ही क्वेश्चन करेक्ट हैं बट रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इट मींस असर्शन तो सही है बट जो उसका रीजन है वो फॉल्स है। डी ऑप्शन इज ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। इट मींस असर्शन फॉल्स है बट आर जो है वो ट्रू है। तो बच्चे, ये फोर ऑप्शंस आपको एवरी क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। आपको असर्शन एंड रीजन दोनों ही सेंटेंसेस को पहले ठीक से पढ़ के इनमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन वन के असर्शन की। इंडिया हैज़ अचीव्ड मल्टी फेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 decades। रीजन इज इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग द रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये आपके टू सेंटेंसेस हैं, इसमें एक असर्शन है और एक रीजन है। अब आते हैं ऑप्शन पर। लास्ट से स्टार्ट करेंगे। ऑप्शन डी इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऐसा नहीं लग रहा है, हमारा असर्शन रॉन्ग नहीं है, तो इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन सी पे, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऐसा भी नहीं लग रहा है, रीजन फॉल्स नहीं लग रहा है, तो ये ऑप्शन भी जो है आपका एलिमिनेट हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन ए एंड बी की, क्योंकि ऑप्शन ए और बी ही ऐसे हैं जिसमें दोनों ही जो सेंटेंसेस हैं वो करेक्ट हैं, लेकिन इनमें भी एक डिफरेंस है। ऑप्शन बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इट मींस असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं बट रीजन जो है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो बच्चे, इसको चेक करने के लिए आप बिकॉज या देयरफॉर जैसे कंजेशन लगाकर चेक कर लीजिए। अगर आपको सही मीनिंग निकलता है तो आपका ऑप्शन होगा ए, और अगर दोनों ही जुड़ते हुए सेंटेंस नहीं लगते हैं तो आपका ऑप्शन होगा बी। तो यहाँ पर असर्शन है, इंडिया हैज़ अचीव मल्टी फेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 decades। इंडिया ने मल्टी फेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस पाई है लास्ट 5 decade से, और रीजन है इट हैज़ मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडिया को एवरी फील्ड में इंडिया आगे बढ़ा है, चाहे वह एग्रीकल्चर की हो, इंडस्ट्री की हो, टेक्नोलॉजी की हो, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हो। इसी वजह से इंडिया ने
मल्टी फेस्टेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है वो की है। तो ये दोनों सेंटेंस जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन होगा ए। यस, करेक्ट ऑप्शन इज ए। नाउ क्वेश्चन टू, इक्वेटर डिवाइड द अर्थ इंटू टू इक्वल हेमस्फेयर। रीजन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड द इंडिया इंटू टू इक्वल पार्ट्स। दोनों ये सेंटेंस करेक्ट हैं, तो डी और सी तो एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये तभी सेलेक्ट करेंगे जब इन दोनों में से आपको एक रॉन्ग लगेगा। तो अब हम बात करते हैं बी और ए की। तो बच्चे यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, क्योंकि दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। इक्वेटर जो है वो अर्थ को टू हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है, ये सही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये भी करेक्ट है, लेकिन इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, इसीलिए रीज़न जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, बट सेंटेंस ठीक है, तो हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा बी। यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन थ्री, असर्शन इज 82°30' हैज बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। करेक्ट। रीजन, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस फ्रॉम द ईस्ट ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो इंडिया के ईस्ट से होकर गुजरती है। नो, ऐसा तो नहीं है। तो बच्चे इट मीन्स रीजन जो है वो रॉन्ग है। अगर रॉन्ग है इसमें से एक सेंटेंस, तो हमारा सी या डी में से ही कोई होगा। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नो, ए तो करेक्ट है, तो इसलिए डी एलिमिनेट हो जाएगा। सी ऑप्शन इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। यस, ये हो सकता है, क्योंकि इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो इंडिया के सेंटर में से निकल कर जा रही है, ना कि इंडिया के ईस्ट में से, तो इसीलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द सन राइजेज 2 hours अर्लियर इन द अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू गुजरात इन द वेस्ट, बट वॉचेस शोज द सेम टाइम। अरुणाचल प्रदेश में गुजरात से 2 घंटे पहले सूरज निकलता है, लेकिन जो है वॉचेस सेम टाइम दिखाती हैं। रीजन, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours, बट द वॉचेस शोज द सेम टाइम बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया विच इज यूज टू डिस्क्राइब टाइम ऑफ अ कंट्री। बच्चे गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 hours का टाइम लैग है, लेकिन इंडिया में जो स्टैंडर्ड मेरिडियन सेट की गई है उसकी वजह से ये यहाँ पर जो वॉचेज हैं वो सेम टाइम दिखाती हैं। तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस करेक्ट लग रहे हैं, और रीज़न जो है वो असर्शन को ठीक से एक्सप्लेन कर रहा है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन होगा ए। चेक कर लेते हैं। यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट असर्शन इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डे एंड नाइट ड्यूरेशन हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन काश्मीर। रीजन इज काश्मीर इज क्लोज टू द इक्वेटर वाइल कन्याकुमारी इज फार अवे। कन्याकुमारी में डे एंड नाइट का जो ड्यूरेशन है वो जो है वो इक्वल है, इसमें कोई बात बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देता है, लेकिन कश्मीर में ऐसा दिखाई देता है। ऐसा क्यों? रीज़न बताया है, कश्मीर इज क्लोज टू द इक्वेटर वाइल कन्याकुमारी इज फार अवे। नो बच्चे, ऐसा तो नहीं है। इक्वेटर से सबसे पास में जो है वो तो कन्याकुमारी है, कश्मीर नहीं है। कश्मीर तो बहुत दूर है, हमारा नॉर्थ में है, जबकि कन्याकुमारी जो है वो हमारा साउथ में है, और साउथ का जो नीचे का पार्ट है वो हमारा इक्वेटर से काफ़ी क्लोज है। इसी वजह से यहाँ पर डे एंड नाइट के ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है, तो रीज़न जो हमारा वो फॉल्स है। अगर रीज़न बच्चे फॉल्स है, तो हमारा डी और सी में से कुछ होना चाहिए। यस, करेक्ट ऑप्शन इज सी। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया पाकिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूटिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान नेपाल भूटान बांग्लादेश श्रीलंका और मालदीव जैसी कंट्रीज आती हैं। रीजन,
Myanmar, Afghanistan and China are the land neighbors of India but are not considered as the part of Indian subcontinent. Myanmar, Afghanistan और China जो हैं इंडिया के लैंड नेबर हैं, पड़ोसी हैं, लेकिन वह इंडियन सब कॉन्टिनेंट के पार्ट नहीं हैं। तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, लेकिन रीज़न जो है वो असर्शन से किसी भी तरह से कनेक्टेड लगता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इट मीन्स हमारा बी ऑप्शन होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलिए चेक कर लेते हैं। यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया हैज़ स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक विद हर नेबर्स। इंडिया के अपने नेबर से ज्योग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल रिलेशंस हैं। रीजन, द आइडिया ऑफ द उपनिषद, रामायण, द पंचतंत्र एंड द अदर इंडियन स्क्रिप्चर्स वर नोन टू द वर्ल्ड इन द अर्लियर टाइम। उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र जैसे इंडियन स्क्रिप्चर्स के आइडियाज जो हैं वो बहुत पहले से ही वर्ल्ड में जाने जाते रहे हैं। तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर रीज़न जो है वह असर्शन से पूरी तरह से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर हिस्टोरिकल तो कनेक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन ज्योग्राफिकल कनेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। यस, बी ऑप्शन इज करेक्ट। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिफोर 1947 देयर वर टू टाइप्स ऑफ स्टेट इन इंडिया, द प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स। 1947 से पहले इंडिया में टू टाइप के स्टेट होते थे, प्रोविंसेस एंड द प्रिंसली स्टेट्स। रीजन, प्रिंसली स्टेट्स वर रूल्ड बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स हु वर अपॉइंटेड बाय द वॉइसराय। जो प्रिंसली स्टेट होते थे उस पर रूलिंग जो है ब्रिटिश ऑफिशियल्स करते थे और इन ब्रिटिश ऑफिशियल्स को अपॉइंट करता था वॉइसराय। तो बच्चे यहां पर जो रीजन है वो करेक्ट नहीं है, असर्शन तो करेक्ट है। तो इट मीन्स डी और सी में से कुछ होगा, चेक कर लेते हैं। यस, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। व्हाई? बच्चे इंडिया में 1947 से पहले टू टाइप के स्टेट होते थे, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स पर जो रूलिंग है वो वहाँ का हेरिडिटरी रूलर जो है, जो वहाँ का राजा है, वो करता था, जबकि प्रोविंसेस पर रूलिंग जो है वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स करते थे। यहाँ पर जस्ट उल्टा लिखा हुआ है प्रिंस, इसीलिए रीज़न जो है वो करेक्ट नहीं है। और अगर रीज़न करेक्ट नहीं है तो हमारा ऑप्शन होगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन इज, इंडिया इज लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फेयर। रीजन, इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो बच्चे इंडिया जो है वो सदर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है, ऐसा तो नहीं है। इंडिया तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। इट मीन्स असर्शन रॉन्ग है। रीजन है कि इंडिया जो है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में यंग फोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है। ये सेंटेंस तो ठीक है। इट मीन्स रीजन ठीक है, असर्शन रॉन्ग है। और अगर ऐसा है तो हमारा ऑप्शन होगा डी। तो चलिए चेक कर लेते हैं। यस, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ नैरो चैनल ऑफ सी विच सेपरेट्स टू लैंड मासेस इज नोन एज स्ट्रेट। सी की एक नैरो चैनल जो है वो एक लैंड को सेपरेट करता है, तो उसे स्ट्रेट कहते हैं। रीजन, पाक स्ट्रेट सेपरेट द इंडिया फ्रॉम श्रीलंका। पाक स्ट्रेट जो है वह इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करता है। तो बच्चे दोनों ही ठीक हैं। यहाँ पर स्ट्रेट की डेफिनेशन दी हुई है कि स्ट्रेट क्या होता है और बाद में उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पर पाक स्ट्रेट जो है वो इंडिया को श्रीलंका से सेपरेट करता है। तो दोनों ही सेंटेंस कनेक्टेड हैं। तो हमारा ऑप्शन होगा ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज कन्याकुमारी. यस, इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो कन्याकुमारी है. रीजन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाइज इन द बे ऑफ बंगाल. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो बंगाल में लोकेटेड है. बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं दिख रहा है, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है. तो ऐसी कंडीशन में हमारा ऑप्शन होगा बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन 2004 डिजास्ट्रस सुनामी हिट द अर्थ सरफेस. 2004 में अर्थ में सुनामी आई थी. रीजन, इंदिरा पॉइंट विच इज लोकेटेड निकोबार आइलैंड सबमर्ज इन वाटर. निकोबार आइलैंड में लोकेटेड इंदिरा पॉइंट जो है वह वाटर में सबमर्ज हो गया था. तो दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं बच्चे. अगर दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं तो हमारा ए और बी में से कोई एक करेक्ट होगा. इसको चेक करने के लिए आप बिकॉज या देयरफॉर दोनों में जोड़ दीजिए, और अगर सही ऑप्शन आता है तो आपका ऑप्शन होगा ए. और अगर आपको दोनों ही सेंटेंस जुड़ते हुए नहीं लग रहे हैं तो आपका ऑप्शन होगा बी. यस, करेक्ट ऑप्शन इज ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. 2004 में हमारी अर्थ पे सुनामी आया था, इसीलिए हमारा जो निकोबार आइलैंड में इंदिरा पॉइंट नाम की जो जगह है वो वाटर में सबमर्ज हो गई थी. तो बच्चे दोनों ही सेंटेंस जो हैं वो जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा ए. नेक्स्ट असर्शन इज, इंडिया इज द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया जो है वर्ल्ड की सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है. रीजन, इंडिया ऑक्यूपाइज 3.12 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया. इंडिया का जो एरिया है वो 3.12 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है. इंडिया का जो एरिया है वह 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. तो यहाँ पर हमारा जो रीज़न है वो रॉन्ग है. और अगर रीज़न रॉन्ग है तो आपका ऑप्शन होगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. चेक कर लेते हैं. यस, क्योंकि बच्चे ये बात सही है कि इंडिया की जो पोजीशन है वो वर्ल्ड में सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन यहाँ पर जो डेटा दिया हुआ है इंडिया का एरिया वाइज वह रॉन्ग है. नेक्स्ट असर्शन इज, इन 2021 द टोटल नंबर ऑफ स्टेट इन इंडिया आर 28 एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. 2021 में इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज हैं. बिल्कुल ठीक है. रीजन, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट अ स्टेट कन्वर्टेड इनटू द यूनियन टेरिटरी. ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई स्टेट जो है वो यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट हुआ है. तो बच्चे ये तो हमें मालूम ही है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पहले स्टेट था और अब वह यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट होकर टू यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. तो इसीलिए यहाँ पर रीज़न जो है वह ठीक है. तो अगर रीज़न भी ठीक है और असर्शन भी ठीक है तो हमारा ऑप्शन होगा ए. चेक कर लेते हैं. यस, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट असर्शन इज, इंडिया ऑक्यूपाइज 2.4 ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. बिल्कुल ठीक है. रीजन, इंडिया लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया जो है वर्ल्ड के सेंटर में है. नहीं बच्चे, ऐसा तो नहीं है. इंडिया जो है वो एशिया के सेंटर में है, ना कि वर्ल्ड के सेंटर में. तो इसलिए हमारा रीजन रॉन्ग है. और अगर रीजन रॉन्ग है तो हमारा ऑप्शन होगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. नेक्स्ट असर्शन इज, इंडियाज कॉन्टेक्ट्स विद द वर्ल्ड वर एस्टेब्लिश फर्स्ट बाय द सी रूट्स. इंडिया का जो वर्ल्ड से कॉन्टेक्ट सबसे पहले हुआ था सी रूट के थ्रू हुआ था. रीजन, द वेरियस पासिस अक्रॉस द माउंटेन इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड पैसेज टू द एंशियंट ट्रेवलर. इंडियन माउंटेन में जो बहुत से पासेस हैं वह हमारे एंशियंट ट्रेवलर्स को पासेज या रास्ता प्रोवाइड कराते थे. तो बच्चे रीजन में तो बात हो रही है लैंड की, माउंटेन की बात हो रही है,
और सेशन में बात हो रही है कि सी रूट के थ्रू जो है इंडिया वर्ड के कॉन्टेक्ट में आया, तो ये तो जस्ट कंट्रास्टेड सिचुएशन है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पर एसर्शन रॉन्ग है और रीजन करेक्ट है. इंडियाज कॉन्टेक्ट विद द वर्ड वर एस्टेब्लिश बाय द लैंड रूट्स. तो इसीलिए अगर एसर्शन रॉन्ग है तो हमारा ऑप्शन होगा डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू. नेक्स्ट एसर्शन इज इंडिया इज ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एंड इट्स स्टैंडर्ड टाइम इज कैलकुलेटेड एट 82°30' ईस्ट. रीजन इज इंडिया इज 5:30 hours अहेड ऑफ द ग्रीन मीन टाइम और GMT. इंडिया और ग्रीनविच लाइन के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो 5:30 hours का है, क्योंकि ग्रीनविच लाइन जो है वो 0° से स्टार्ट होती है और हमारी स्टैंडर्ड मेरिडियन जिससे हमारे इंडिया का टाइम कैलकुलेट होता है वह 82°30' है और इन दोनों के बीच में 5.30 hours का जो डिफरेंस है. तो ये दोनों ही सेंटेंस बच्चे करेक्ट हैं, और अगर दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं तो हमारा ऑप्शन होगा ए. बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. असर्शन इज ओपनिंग ऑफ स्वेज कैनाल हैज बेनिफिटेड इंडिया इमिनेंसली. रीजन इट हैज रिड्यूस्ड द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप बाय अबाउट 8,000 किलोमीटर. स्वेज कैनाल की ओपनिंग की वजह से इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है, लेकिन इंडिया और यूरोप के बीच में जो डिस्टेंस है वो 8,000 किलोमीटर रिड्यूस नहीं होकर 7,000 किलोमीटर रिड्यूस हुआ है. तो यहाँ पर जो डिस्टेंस का अमाउंट है वो रॉन्ग है. 7,000 किलोमीटर डिस्टेंस रिड्यूस हुआ है, ना कि 8,000 किलोमीटर. तो इस वजह से हमारा ऑप्शन होगा सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. नेक्स्ट असर्शन इज द इंडियन मेनलैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड 8°4' एंड 37°6' एंड लॉन्गिट्यूड्स 68°7' एंड 97°25' तो बच्चे ये तो बिल्कुल ठीक है. रीजन इज द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इज अबाउट 30° इन द बोथ डायरेक्शंस. एसर्शन में आपको इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट दिया हुआ है. रीजन में ये बताया है कि ये लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में जो डिफरेंस है वो 30° का है. तो बच्चे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लैटिट्यूड 8°4' एंड 37°6' है, तो इन दोनों में ऑलमोस्ट 30° का डिफरेंस है, और लॉन्गिट्यूड आपका है 68°7' एंड 97°25', इन दोनों में जो डिफरेंस ऑलमोस्ट जो है वो 30° का ही है. तो बच्चे इसीलिए आपका रीजन जो है वो करेक्ट होगा. और अगर रीजन पर दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है तो ऑप्शन देख लेते हैं. यस, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट असर्शन इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाइज टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया. करेक्ट है. रीजन श्रीलंका एंड मालदीव्स आर टू आइलैंड कंट्रीज दैट आर द सदर्न नेबर ऑफ इंडिया. ऐसा भी ठीक है. असर्शन है कि अंडमान एंड निकोबार जो है वो इंडिया के साउथ ईस्ट आइलैंड है, और रीजन दिया है श्रीलंका और मालदीव जो है वो इंडिया की नेबरिंग आइलैंड कंट्रीज हैं. तो यहाँ पर बच्चे असर्शन में इंडिया के अपने आइलैंड की बात हो रही है, और रीजन में यहाँ पर इंडिया की पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव कंट्रीज की बात हो रही है. तो दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं, लेकिन इसमें आपस में कोई कनेक्शन नहीं है. रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, और अगर ऐसा है तो ऑप्शन होगा बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू. इफ येस देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट to press the bell button
टू गेट मोर वीडियोज लाइक दैट. थैंक यू सो मच.